हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ बैरव सिंह और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ रोस्ट बोरा। रोस्ट बोरा बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक वाली सूजी, देसी घी, दूध, चीनी, दूध पाउडर, इलायची के दाने और ऑयल फॉर फ्राइंग। चलिए, तो सबसे पहले जो सूजी है उसको भून लेंगे अच्छे से, तो घी थोड़ा सा, और ये ठंडे पैन में डालें ताकि घी को ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अब इसमें ये जो सूजी है ये वाली डालेंगे, एकदम धीमी आंच पे गैस को रखें और अब इसको भूनना शुरू करते हैं। ये देखिए, करीबन 3 से 4 मिनट भूना है इसको। इस तरीके से जब रवे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर क्या करना है, ये हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, ये देखिए इलायची पाउडर अच्छे से मिल जाए इसके अंदर, तो अब हम डालेंगे दूध। फटाफट अच्छे से मिला लें, ये देखिए अच्छे से मिल गया, वाह। अभी ये देखिए अच्छे से मिल जाए, अब इसको हम जो है एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको अच्छे से इस तरीके से मिला के करीबन 5 से 10 मिनट जो है कवर करके रख दें। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए सबसे पहले शक्कर और इसके अंदर जो है अपना ही पानी, ये देखिए, तो शुगर थोड़ी सी गलनी शुरू हो जाए अच्छे से, तो इसके अंदर जो है हम थोड़ा लेमन जूस डालेंगे फ्रेश वाला, 2 से 4 बूंदे। लेमन जूस डालने के बाद थोड़ी देर पका लीजिए इसको ताकि एकदम क्लियर साफ हो जाएगी, और ये रेडी है। अब इसको बंद कर देते हैं। चलो, चाशनी बन गई हमारी। अब ये सूजी भूनी थी हमने, वाह बहुत अच्छे से हो गई। अब इसको इस तरीके से अच्छे से मिला लें और ये जो मिल्क पाउडर है ये डालेंगे इसके अंदर, भाई इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, क्या टेस्ट आएगा रोस्ट बोरा का। और रोस्ट में तो वैसे भी टेस्ट है ही है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, इस तरीके से मिला लें इसको, अच्छे से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, फिर इसको बनाएंगे। चलिए, अभी इसका जो है रोस्ट बोरा बना लेते हैं। इस तरीके से इसको इतने बड़े बड़े जो पीस है वो बनाएंगे। और हाँ, जब भी आपको लगता है कि आपकी सूजी जो है थोड़ी ड्राई हो गई है या बराबर टेक्सचर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दूध लें, गरम दूध, उसमें मिला के फिर से मालिश कर दें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। सारे तोड़ लेते हैं इसे। चलिए, अब बनाते हैं इसका। और इस तरीके से इसको शेप देना है। वाह 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 वाह, ये देखिए ये रेडी है। सारे बना लेते हैं इसे। ये देखिए ये रेडी हो गए। अब इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे कर करके धीरे धीरे। अब जो ऑयल है उसको एकदम मीडियम हीट पे कर दे,
देखते हैं इसको। ओह ये देखिए, अच्छे से फ्राई करना है इसको भी धीरे धीरे। चलिए चेक करते हैं इसको कितना कलर हुआ है इसका। ओहो थोड़ा सा और कलर, और सूजी वैसे भी पकी हुई है तो हमें सिर्फ क्या करना है इसको अच्छी सी क्रिस्प टेक्सचर देना है, वो हम दे देंगे और इसको रस के अंदर डुबा देंगे बाद में। तो ये देखिए हमारा रसभोरा रेडी हो गया। वाह 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 क्या कलर आ गया इसका, बहुत प्यारा। अब इसको जो है रस में डुबा देंगे, और रस में जो है करीबन इसको आधे पौन घंटे के लिए भिगा के रखना है, तभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और भाई खाने के लिए रेडी। चलिए एक से डेढ़ घंटा हो गया है, अब देखते हैं हमारे, वाह क्या रस भोरे तैयार है रस पी के। ये देखिए क्या फ्लफी बने हैं। ओहो और नहीं कोई सोडा है ना कोई बेकिंग पाउडर, बस बहुत सारा प्यार है इसमें। अब इसको क्या करेंगे, प्लेटिंग कर लेंगे। और ये देखिए बहुत इजी बन गए, कम इंग्रेडिएंट हैं, और आप इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं तो और भी खाने में मज़ा आएगा ये, और इजी रेसिपी सबसे बड़ी बात। तीन पीस एक, और ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश। मेरे पास यहाँ पर पिस्ता पाउडर है तो मैं पिस्ता पाउडर यूज़ करूँगा, और आपके पास जो भी हो बादाम काजू जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कीजिए।